जय हिंद दोस्तों, मैं कार्तिक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक पुराने वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैंने आज से करीब 2 साल पहले बनाया था। आज उस वीडियो पर करीबन 5 लाख व्यूज़ हो चुके हैं, साथ में हज़ारों लाइक्स और हज़ारों शेयर भी हो चुके हैं। तो मैं आज इस वीडियो में उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उस टॉपिक पर मैंने जो वीडियो बनाया था वो इतने अच्छी तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको नहीं पता कि वो वीडियो कौन सा था तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से सब बातें समझ में आ जाएँ। जो भी जितने भी लोगों की जो भी क्वेश्चंस थे मैं उसको आंसर करूँगा, मतलब बहुत सारे लोगों ने एक जैसे ही क्वेश्चन पूछा था तो मैं उसको एक बार में आंसर कर दूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सभी को बातें समझ में आ जाएँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इसको इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी क्विट कर दीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में एंटरटेनमेंट जैसा कुछ भी नहीं है। इसमें मैं कुछ सीरियस बातें करने वाला हूँ जो कि समझदार लोग ही समझ सकते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को आगे देख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक समझदार इंसान जैसा ही मतलब इस वीडियो को समझना और देखना। तो सबसे पहले मैं आप सभी को उस पुराने वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जो मैंने आज से 2 साल पहले बनाया था। कमलेश करके आप सभी को याद होगा, एक लड़का था जिसकी तेज़ी से वायरल हुई थी वीडियो। तो मैंने उसी वीडियो को लेके एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया था ताकि कुछ लोगों तक मेरा एक मैसेज जाए, बहुत अच्छा मैसेज मैंने दिया था, मैसेज जाए और करीबन 5 लाख लोगों तक वो मैसेज पहुंचा। कई हज़ार बार उस वीडियो को शेयर किया गया और कई हज़ार बार उस वीडियो पर लाइक आए, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा मतलब उस वीडियो में को थोड़ा और अच्छा करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि यार मेरी एज भी उस टाइम कम थी और मैं यूट्यूब पर नया नया था, कैमरा ऐसा फेस करा नहीं था, लेकिन ऐसा मन करा कि यार अपना ओपिनियन देना चाहिए इस वीडियो के ऊपर। तो मैंने उस टाइम वो वीडियो बना लिया और अपलोड कर दिया, बाद में वो वीडियो वायरल हो गया और अभी 5 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, आप सब देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, नंबर 1 पर वो वीडियो है। तो अभी मैं आज इस वीडियो में उसी के बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को पॉइंट्स क्लियरली करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए तो उन लोगों को भी मैं चाहता हूँ कि रिप्लाई करूँ, और तो मैं समझाता हूँ आप सभी को मेरे पॉइंट्स क्या क्या थे। तो कमलेश कौन था, क्या था, उसने क्या करा, इस बारे में मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि आप सभी को वो चीज़ मालूम होगी। मेरा पहला पॉइंट मैं बताता हूँ आपको, मेरा पहला पॉइंट ये था कि सड़क पर जो बच्चे होते हैं जो भीख मांगते हैं उन लोगों को हम सभी को पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए पैसे से वो लोग कुछ भी काम कर सकते हैं, वो गलत काम कर सकते हैं, जैसे ड्रग्स ले सकते हैं, कुछ उल्टी सीधी चीज़ ले सकते हैं, दारू सिगरेट बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात मैंने ये करी थी कि हम सभी को पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन हम सभी को उनको खाना देना चाहिए, कपड़े देना चाहिए, अगर किसी को दवाई की ज़रूरत है तो दवाई देना चाहिए, अगर किसी को लगी है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ये मैंने सब चीज़ें बात कही थी। तो मेरे दूसरे पॉइंट पर आते हैं, मेरा दूसरा पॉइंट ये था कि देखिए मनोरंजन की एक सीमा होती है, मजाक की एक सीमा होती है। आप सभी ने देखा होगा हज़ारों लाखों मीम्स बने, बहुत सारे ऐसे वीडियोस बने जो एक मनोरंजन की कैटेगरी में आते हैं। ये सब चीज़ें एक तरफ बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है, आप सब समझ रहे होंगे कि ये सब ख़त्म होने के बाद मनोरंजन हो गया, मीम्स बन गए, हम सभी देख के हंस लिए, शेयर कर दिए, ये सब हो गया। इसके बाद हम लोग को ये सोचना चाहिए कि यार ये चीज़ जो कमलेश के साथ हुई ये दूसरे बच्चे के साथ ना हो, हो सकता है वो बच्चा आपके घर का हो, आपका भाई हो, आपका बेटा हो, या फिर आपके सोसाइटी का कोई बच्चा हो, या आपका कोई फ्रेंड हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए कि ये चीज़ फैले ना, कोई भी ड्रग्स के तरफ मतलब अट्रैक्ट ना हो, कोई भी ड्रग एडिक्ट ना बन जाए। तो ये मैंने दूसरा पॉइंट बोला था। तो मेरे तीसरे पॉइंट के बारे में बात करता हूँ मैं, मेरा तीसरा पॉइंट था, मेरा एक मैसेज था सभी पेरेंट्स को, और अभी भी मैं मैसेज दे रहा हूँ आप सभी पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं। मेरा तीसरा पॉइंट ये था कि मैंने बोला था पेरेंट्स को, मेरा मैसेज था कि आप सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो स्पेस बन रहा है उसको भरना चाहिए। देखिए पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता ऐसा ना चाहिए कि कभी भी कुछ भी चीज़ हो, छोटी सी भी बात हो, तो बच्चा अपने पेरेंट्स को खुले से बता सके कि ऐसी ऐसी बात हुई है, वो घबराए नहीं, डरे नहीं, और उसको ऐसा ना लगे यार कि मैं बताऊँगा तो क्या होगा, क्या सोचेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मतलब एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए बच्चे और पेरेंट्स के बीच में,
तो ये मैंने बात कही थी, इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया मुझे समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को बातें पसंद नहीं आई और मैं जो कमेंट्स आए थे उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता था। हो सकता है उस वीडियो में मेरी एज कम थी इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कुछ चीज़ें, लेकिन आज मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए थी मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आई होगी। अब मैं कमेंट्स की बात करता हूँ, जो कमेंट्स आए थे मेरे उस पुराने वीडियो में, तो मैं अब उसकी बात करता हूँ। तो मैं अब उस वीडियो पर रिस्पांस और कमेंट्स की बात करता हूँ। सबसे पहले रिस्पांस की बात करता हूँ। रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त आया उस वीडियो पर। देखिए मेरा पर्पस ये था कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को ये नहीं मालूम था कि उस पर 500,000 व्यूज़ आ जाएंगे, हज़ारों लाइक्स और हज़ारों शेयर आ जाएंगे। मैंने वो वीडियो बनाया था कि एक मैं मैसेज देता हूँ अपनी तरफ से, मैं देख रहा था बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती है लेकिन हम बोलते नहीं हैं। मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पर बात करता हूँ, मेरे पास यूट्यूब है तो क्यों ना मैं यूट्यूब पर डालूँ वीडियो और शेयर करूँ सभी के साथ मेरे ओपिनियन। तो मैंने उस ओपिनियन को शेयर करा और उस पर 500,000 लोगों ने देखा उसको और बहुत पसंद किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सभी ने उसको अप्रिशिएट किया मेरे काम को और मेरे ओपिनियंस आपको बहुत पसंद आए। जो भी पॉजिटिव रिप्लाई जिन लोगों ने भी किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आप सभी का। जितने लोगों ने सब्सक्राइब करा, शेयर करा, लाइक करा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आया। पहले पॉजिटिव कमेंट की बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी बोला कि आपके चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए। बहुत सारे लोगों ने विश करा कि मेरे चैनल जल्दी जल्दी ग्रो हो, तो मैं आप सभी का उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अब मैं थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट के बारे में बात करता हूँ। देखिए उस चीज़ के बारे में बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ये बहुत बेहतर होता है। कुछ लोगों का ये कमेंट था, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट था कि आप तेरे को क्या लेने देना इस चीज़ से कि कमलेश ड्रग करता है या कोई बच्चा ड्रग करता है, तेरे को क्या लेने देना। देखिए मुझको लेना देना है क्योंकि मेरी सोसाइटी में वो लोग गलत काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी वजह से अगर कोई एक भी इंसान चेंज होता है, अगर 400,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा, 500,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा, उसमें से कोई एक इंसान भी अगर चेंज होता तो उसमें मेरा सक्सेस है, मैं उस चीज़ में कामयाब हो गया। अब ऐसा बोलना कि भाई तेरे को क्या करना, यार मैं पब्लिक डोमेन में हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कुछ, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं लाखों लोगों तक जुड़ा हूँ, तो मैं अगर अपने वीडियो के ज़रिए कोई अच्छा मैसेज देता हूँ तो उसमें क्या गलत करा मैंने, मुझे ये जानना है आप सभी से। और जो भी समझदार लोग हैं वो समझते हैं और जो ना समझ उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, उनका पता नहीं वो असामाजिक तत्व है, मैं उन सभी को असामाजिक तत्व बोलता हूँ, जो कि हर जगह कोई भी कुछ भी अच्छा काम हो तो उसके अंदर उन लोग को नेगेटिविटी ढूंढनी है और नेगेटिविटी उसमें फैलानी है। तो ऐसे लोगों से तो मैं दूर ही रहता हूँ, मैं रिस्पॉन्स करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार हो सकता है उन लोग का हृदय परिवर्तन हो जाए। और कुछ लोगों ने उस वीडियो पर गालियाँ भी लिखी, तो ऐसे असामाजिक तत्वों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए गालियाँ देने से कुछ नहीं होता, गालियाँ देने से ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है ना किसी और यूट्यूबर को फ़र्क पड़ता है गालियों से, बल्कि गालियाँ देकर तो आप अपने आप को ही कमज़ोर साबित कर रहे हैं हम सभी के सामने। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कमेंट आया था कि तूने जो ये वीडियो बनाया है ये सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ गेन करने के लिए बनाया, तो मुझे एक बात बताइए ऐसा कौन सा यूट्यूबर है या क्रिएटर है जो नहीं चाहता कि उसके वीडियोज़ पर व्यू आए, ऐसा कौन सा यूट्यूबर जो नहीं चाहता कि उसके चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ें। हम सभी चाहते हैं एज अ यूट्यूबर और एज अ क्रिएटर कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स आएँ, हमारे जो व्यू वीडियो है उस पर हज़ारों लाखों व्यूज़ आएँ। बाकी तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट और पॉलिटिकल और पब्लिक टॉपिक्स पर वीडियोज़ लाते रहता हूँ। और आने वाले टाइम में मैं बहुत अच्छा मोटिवेशनल कंटेंट लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, इंसानियत जिंदाबाद।